इंटरकट में फर्क क्या है? वो मिल जाने बुलाओ मैं ट्रैकिंग ना इंटरकट में है बेटे चार कार को हलाक हो गए ने काफला बहुत अगे चला गया तो जान दो काफले को बोतलों के पैसे लेने जान दे तू मुरुंडा बेचना बेच अते होर हुन काफले च मंजियां बेचने जो दूसरा सीन एक्सपोज किया है काफला लंघ गया ना काफला तो बेटे तू काफले जमी सी तेरी ए कैमरा रखे है चक शहजाद कैमरा सी लुक के लाया दरखत उत्ते ए कैमरा दरखत ते लाया डायरेक्टर ने बांध रहे बेटे तकरीब करन एक्सपोज करना है बचना भी है लो तीसरा शॉट है अच्छा जी इतना टाइम नहीं है तेरे तो बड़ा टाइम है अते फिल्म वाली गल किथे ओ नु अंदर किने आउंदा नहीं ये चौधरी मेरा दोस्त है हर जुराइम पेशा इना दा दोस्त चाचा जी मैं केड़ा को कतल कीता है लेकिन लगता है कि अगले 15 मिनट ही मेरे को हो जाना है मैंने तो पता नहीं रहना कि थे है तो आने ना पता हो कि थे रहने उन्हें पता तो सी कि थे रहने बेटे आम शख्सियत कत्ल हो गई है कत्ल हो गई यानी कि साल दो चाचा जी लग गया एक बार गाल गाल के तो मोड़ गो गाल शुरू कर दी कितनी लंबी गाल और तेरी माफी मैं जरा जज्बाती हो नहीं मैं समझ गया लड़ी गाल पर लगी है जो ये कहना चाह रहे ना उसे तुम महसूस करो जी ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों के मुताबिक इंसान अपने जिस्म में बरकी तवानाई को अपने लैपटॉप की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है बहुत अच्छा ना कि चार्जर ला के बैठा हूँ सर ये बरकी तवानाई क्या होती है इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रिक करंट होता है बंदे हैं तुझे जी बंदे के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है ना सिर्फ बंदे के हिसाब ना करंट सलीम तेरे से जिन्ना करंट है तेरना तो जुगनू नहीं चलना वैसे लोग मुझे भी कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में भी बड़ा करंट है सबसे ज्यादा करंट मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ में शायद करंट तो है ना जी वरना फिर हर तीसरे चौथे साल नवे पुल से नहीं बढ़ देना पाए मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं मेहनती आदमी है ना जी वो जंगी बुनियादों पे जो है आप जब काम करती हैं तो आपको करंट चाहिए होता है वैसे आता साहब माशाल्लाह जिन्ना नॉलेज है ना जिन्हें इन्होंने किताबा पढ़ी है जिन्हें मुल्कों में फिरे ने इन्हें च बहुत ज्यादा करंट है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जिन्ना तुम शहद खाते ना तो करंट से पाठ बातें बनी हुई हैं शायद पी पी के मैं तो मरण वाला हो यार ये आप क्यों ये समझते हैं कि हर शख्स शायद हजम कर लेता है शायद बड़ी शकील चीज होती है वो तो ठीक है आपकी उम्र में एक खास मकदार से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए आप बुजुर्ग हो गए उस मकदार का तो बताए ना बस एक चम्मच ले लिया करे छोटा वाला वो अगर उससे भी फर्क ना पड़ा फिर आप हनी फिश खाएं चल भाई फिश ये फ्राइड फिश है आपके इलाके की बहुत लाजवाब सोल मछली नहीं सोल वो मैंने हर तरह की मछली ट्राई की उसको बहुत आला बनाकर उसके अंदर शहद डालें वो मच्छी खा गए ना दुआड़े हुई जी शहबाज शरीफ ने कहा है कि शेर इमरान खान के आसाब पर सवार है बिल्कुल है तो गल उन्होंने ठीक की थी देखो ना अपने जल से नारे लाते लाते कहते शेर से मोर लाना कोती नजर हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं खान साहब के साथ अस्सलाम वालेकुम खान साहब आफ्ताब जी इधर अलग हूच डेग पे सोना में आ रहे हैं तक इंतजार करे तो तकरीर से किसी ने प्लास पाया हूं ये मेरा नया स्टाइल है बहुत अच्छा है खान साहब बहुत अच्छा है लगता नवा बना दे खरबूजे बेचन दे तकरीर करते करते भी कहते रहे जागते रहना मेरे से ना रहना ये मेरे बात करे या आपसे बात करे खान साहब को फकी फुकी खाओ फकी नहीं खाते जलसे में चलो जलसे तो बात चुका खान साहब आप बाकी तकरीर कर जलसे में आफ्ताब जी अगर फकी खा लो ना तो फिर जलसे लग जाते हैं अच्छा चलिए बाहर अल्लाह करे आप कामयाब हो आप हैरान कर दें बाकी जैसा आप कहते हैं लेकिन स्लिप ऑफ टंग का ख्याल रखा करें मैं जिस दिन हैरान करूंगा ना आफ्ताब जी ए मियां बरादरान के डेले बाहर आ जाएंगे अच्छा आप बात सुने डेले सच सीरियस डॉन वेल डॉन इमी कैरी ऑन क्या बात है बकवास बंद करो किरलिया जो है ये देखे ना इमी इन्हीं करतूतों की वजह से जो है ये किक आउट किया गया जो है वो टिकट नहीं दिया गया और तरीके से
मैं खाजा साहब तुम जुगतान भी कर देने जनाब की कसम मैं आफ्ताब जी बात सुने आफ्ताब आई हेलो हाँ जी आपने खान साहब पे अभी जुगते की थी मैंने कुछ एक भी नहीं की कसम उठाया अगर मैंने कही हो आफ्ताब जी मुझे बताया जाए कि इसने क्या जुगत की है मुझे इन्होंने कहा जी जनाजे वाले गैसर का मुंह है थोड़ा खान साहब कह रहे तो वे जागर का मुंह है खाजा साहब कह रहे जी थोड़ा रक्षे के सिलेंडर वर्गा मुंह बात सुने ना मेरा आप बताए उनको कि मैंने कोई ऐसी बात जो है खान साहब चले वो माजरत खां है बात सुने आफ्ताब जी हाँ जी एक चीज क्लियर है जो किसी को कहता है वो खुद होता है ये अगर स्कूल बॉयज की तरह आप ये बात अगर इन्होंने मुझे बड़े जग दे मुंह वाला कहा था अगर इन्होंने मुझे पुठी स्त्री दे मुंह वाला कहा वो नहीं कहा था वो आप खुद कह रहे हैं आप महसूस हो रहे हैं आफ्ताब जी जो इन्होंने आफ्ताब जी मेरी बात उन्हें छोड़े चाहे नीचे रखे यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ एक तो आपकी चुस्की ही नहीं खत्म होती मेरी सर तुम भी जुगतान लाओ जरा इन्हों नहीं जुगत लगाना हमारा काम नहीं है इतना बड़ा मैं लीडर हूँ नेशनल लेवल का मैं अच्छा लगूंगा जुगते करता हूँ और मैं इनको कहता हूँ कि अन्नी बतख दे मुंह आ लिया बनती है किसे कहेंगे आप मुझे क्या है इधर देखें आफ्ताब जी जी जदीद तिबरी तहकीक ने साबित किया है कि करेले खाने वाले अफराद को शुगर का खतरा कम रहता है डॉक्टर भी कबरीक लगता जिन्हें तहकीक हाय हाय मैं इस दुनिया च कभी ना रहा अगर अंब ते करेले ना हो लो जी करेले ते अंब चुकाओ इन्होंने तो कटिए पहले लंबे कटे करेले यार ऐसी कोई खास बात नहीं है अच्छा है करेले बहुत ही अच्छी सब्जी है अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक है लेकिन ये जो तुमने रोमांटिसाइज कर रखा है ना उसे ऐसी कोई बात नहीं है पढ़ गए साड़ी जो बगावत कर गया करेले लंबे कटे हो लंबे पे आवे बंदा तू तो अटाई और कूड़े लंबे कटे हो फिर फिर जरा कहने साड़ी चो नहीं फिर बताओ ना करेलियां आज ही ना कहना फिर करेले काट के फिर उन्हें नमक लगाओ और धूप में रखो हाय लंबे काट के करेले तो प्याज भी लंबे हो बोटिया जफिया पाई करेले इन तीन इंग्रेडिएंट्स में से सबसे ज्यादा प्याज होता है हाय हाय सदके लो ये काफ टोंगण लगे जी हांडी की तैयारियां सुनो जरा जी हाँ नहीं मैं करेले बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं तो देसी मुर्ग बनाना है कल तेरी कुल्फी खोली किसने नहीं गाएगा आफ्ताब भाई तुम कुकड़ की गल कर रहे यार मैं कुकर मैं तुम्हारा शेफ हूँ नहीं सर वो मुर्गा बनाते कैसे वो हमें बताते हैं बच्चे कह रहे हैं तो अगर आप बता ही दें मुर्गा बनाते कैसे हैं अब यार उसके 50 तरीके हैं मैं जिस तरह से बनाता हूँ तो बड़ा सादा सा लहसुन और प्याज को अच्छी तरह उसकी पेस्ट बनाओ जी रगड़ और देसी घी अच्छी तरह जिसको कहते हैं ना कलका के शदीद हीट अप हो जाए फिर उसमें उसको फ्राई करो जब ये पेस्ट ब्राउन कलर की होने लगे तो फिर मुर्ग का गोश्त उसमें डाल दो मुर्ग का गोश्त बहुत टेंडर मुर्ग होना चाहिए नहीं कि कोई बूढ़ा असील मुर्ग ले आओ जो शुतर मुर्ग की तरह शुतर बेमुहार हो उसमें आपने इसको अच्छी तरह भूनना है जिन्हों पुनंदा पता पुत्र अल्लाह तेरिया खा रहा और इस तरह से भूनना है कि उसके अंदर भी घी और वो पेस्ट उसके अंदर रच जाए नहीं जी हांडी के अंदर बह के भुना मैं ईमान लाया थोड़े से तुम साढ़े जी वो नीचे नीचे से आप देखें कि बोटियां थोड़ी थोड़ी जैसे जल रही होती है ना जल रही है सुरख जल रही है जिदा साड़ा दिल जल रहा है रेडिश डार्क ब्राउनिश जब आ रहा है ना शेड उनमें कलर चेंज हो इस दौरान आपने या दही डालना है या टमाटर जब बोटियों में दही रच जाए और भून भून कर उनको तुम लाइट ब्राउन कर दो और फिर डालो पानी हाँ। दो बड़ी बड़ी सब्ज मिर्चें भी फेंक दो काट के की मंजी वैसे ही वैसे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे मानो हांडी के लगता सोने का सेट बना अब ये हल्की आंच पर तुम पकता रहने दो काफी देर तक लेट से कम 45 मिनट ये हल्की आंच पे पकता रहे ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा सानू की कहना
ठीक है जनाब, अब तुमने ध्यान देना है कि ये खाना किसके साथ। ध्यान देना कि प्रौणा ना कोई बाहर ताला लवा दो, बाहर लिख के ला देना, हम घर पे नहीं। अच्छा जी, हुण हांडी तैयार हो गई। ये वो देसी मुर्ग है जो आमतौर पे ब्रंच में खाते हैं, जो नाश्ता लेट नाश्ता होता है ना, लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियानी अरसा जो है ब्रंच, वो ब्रंच होता है, यानी 11 बजे आपने किसी को मेहमानों को बुला रखा है। कादली बुलाना सी पागल तुम्हारा मतलब है जो भूख शदीद हो जाए। अच्छा जी, ये रोटी के साथ नहीं खाया जाए, हो रहे पत्तिया ना पराठे के साथ। हकीम साहब, मैंने अब बताने नहीं, मैं आपको बताने लगा था कि पराठा किस, आप जल्दी बताएं, हकीम फोत हो जाएगा। जब आप आटे को गूंदने लगते हैं, हाँ जी, उसमें उसी तनासुब से आपको खुद पता है कि आपने कितने पराठे बनाने हैं। अगर आपने 10 पराठे बनाने हैं तो कम से कम आधा किलो देसी घी उस आटे में डालें। तेरिया खा रहा हूं इन्होंने देसी, तेरिया खा रहा हूं। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पराठा तो बना ही नहीं है, पहले ही बोल रहा।